उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का भी अध्ययन करना शुरू किया है और जल्द ही आयोग इसका मसौदा यानी इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप देगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले वक्त में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस नए कानून में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सुविधाएं जैसे सब्सिडी पर उनकी कटौती की जाएगी। आयोग बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है ताकि कानून बनाकर सख्ती भी की जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या से कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सहयोग दे रहे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे, जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वे स्वतंत्र है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है, यह किसी धर्म विशेष या मानवाधिकार के खिलाफ नहीं। इस कानून में बस कोशिश यही है कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को जरूर उपलब्ध हो जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। राज्य विधि आयोग कई बिंदुओं पर विचार कर इस कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। मसौदा तैयार होने के बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को ही राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छी परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल की जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो सामाजिक बुराई अपने आप कम हो जाएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।